नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सिंगल कॉइल एसओबी और डबल कॉइल एसओबी में क्या अंतर है और डबल कॉइल एसओबी कहाँ यूज किया जाता है। सिंगल कॉइल एसओबी में एक ही कॉइल यूज किया जाता है, जबकि डबल कॉइल एसओबी में दो कॉइल का यूज किया जाता है। दोस्तों, आपको दो अलग अलग टाइप का एसओबी दिख रहा होगा। एक है 5/2 टाइप का सिंगल कॉइल एसओबी और दूसरा है 5/2 टाइप का डबल कॉइल एसओबी। दोस्तों, इन दोनों ही एसओबी का यूज डबल एक्टिंग सिलेंडर या एक्चुएटर को ऑपरेट कराने के लिए किया जाता है। लेकिन बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब सिंगल कॉइल से ही काम हो जा रहा है तो डबल कॉइल क्यों यूज किया जा रहा है। कई जगह पर इंटरव्यू में भी इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डबल कॉइल एसओबी का यूज कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि डबल कॉइल का यूज क्यों किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। दोस्तों, सिंगल कॉइल एसओबी में आपने देखा होगा कि एक साइड कॉइल के लिए लगा रहता है और दूसरे साइड स्प्रिंग लगा रहता है, जो एसओबी को इनिशियल कंडीशन में लाने का काम करता है, मतलब स्पूल को रिटर्न करने का काम करता है। जब हम कॉइल को सप्लाई देते हैं तो एसओबी ऑपरेट होता है और सप्लाई हटाने से सोलेनाइड फिर से अपने पहले की पोजिशन में आ जाता है। यानी कि जब तक कॉइल पे सप्लाई होगा एसओबी ऑपरेट रहेगा और सप्लाई रिलीज करते ही एसओबी क्लोज हो जाता है। लेकिन डबल कॉइल एसओबी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें रिटर्न स्प्रिंग का यूज नहीं किया जाता है, उसमें दोनों साइड कॉइल का यूज किया जाता है। अगर आप ओपन कमांड देंगे तो ओपन हो जाएगा और कमांड हटा लेने पर भी ओपन ही रहेगा जब तक उसको क्लोज का कमांड नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इसका यूज पावर फेल सेफ कंडीशन के लिए किया जाता है। पावर सेफ फेल सेफ का मतलब ये होता है कि अचानक पावर का हट जाना, यानी आपने ओपन कमांड दिया है, अचानक कहीं से वायर कट गया और ओपन का कमांड हट गया। इस केस में अपने जो अपना एसओबी है वो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, वो क्लोज नहीं होगा बिना कमांड दिए। ऐसे में क्या है कि जो हमारा वाल्व है अगर ओपन है तो ओपन ही रहेगा जब तक उसको क्लोज का कमांड नहीं दिया जाता है, जबकि सिंगल कॉइल एसओबी में ऐसा नहीं होता है। अगर अचानक किसी वजह से सप्लाई कट हो जाता है तो एसओबी अपनी कंडीशन में आने की वजह से वाल्व को तुरंत क्लोज करा देगा और प्रोसेस लाइन में जो फ्लो हो रहा है उसमें दिक्कत आने लगी, फ्लो रुक जाएगा। इसी कंडीशन को रोकने के लिए हम डबल कॉइल एसओबी का यूज करते हैं, ताकि एक बार कमांड देंगे तो ओपन होगा, फिर दूसरा कमांड देने पर तभी क्लोज होता है, बिना कमांड के क्लोज होगा ही नहीं। दोस्तों, मान लीजिए किसी फ्लो लाइन में कोई वाल्व लगा है जिसको एसओबी से ऑपरेट किया जा रहा है। आपने एसओबी को ओपन कमांड दिया, वाल्व ओपन हो गया और फ्लो चालू हो जाएगा लाइन में। अब अगर अचानक किसी वजह से एसओबी की कॉइल सप्लाई हट जाती है तो क्या होगा? सिंगल कॉइल एसओबी रहेगा तो अपने आप वाल्व को क्लोज कर देगा, लेकिन वहीं अगर डबल कॉइल एसओबी रहेगा तो पावर फेल होने के बावजूद भी एसओबी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रोसेसर लाइन में लगा वाल्व भी ओपन ही रहेगा जब तक कि हम खुद उसको क्लोज का कमांड नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों, डबल कॉइल एसओबी में स्प्रिंग का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए जब स्प्रिंग ही नहीं रहेगा तो बिना कमांड को ऑपरेट ही नहीं होगा। आप जब ओपन कर देंगे तो ओपन होगा, क्लोज कर देंगे तो क्लोज होगा। और वो सिंगल कॉइल एसओबी में ऐसा नहीं होता है, एक साइड कॉइल रहता है, दूसरे साइड स्प्रिंग रहता है। इसीलिए जब भी कहीं सेफ्टी की जरूरत पड़ता है, किसी लाइन में सेफ्टी चाहिए होती है कि अगर हमारा वाल्व हो तो वाल्व ओपन ही रहे, उसी फेल सेफ कंडीशन में हम डबल कॉइल एसओबी का यूज करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि डबल कॉइल एसओबी का यूज क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका कोई राय है तो इसमें ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एसओबी के किसी अलग टॉपिक पे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।